हेलो गाइस नमस्कार आप सभी का स्वागत है निधि किचर लाइफ स्टाइल चैनल पे तो दोस्तों आज जो मैं आपके साथ रेमेडी लेके आई हूँ ना सफ़ेद बालों को बिल्कुल जड़ से काला बनाने वाला ये रेमेडी बहुत ही इजी है आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है रात भर भिगो के नहीं रखना है और आपके सफ़ेद बाल बिल्कुल नेचुरल तरीके से काले हो जाएंगे जिन्हें प्री मैचोर ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है जिनके सफ़ेद बाल कम है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारे इन्ग्रीडियंट्स आपको ईजली आयुर्वेदिक शॉप में ऑनलाइन मिल जाएंगे इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है क्लीन बाउल और इसमें फर्स्ट इन्ग्रीडियंट जो मैं ऐड करूंगी ना दोस्तों वो है नीम पाउडर अगर आपको कोई भी ड्राइनेस होती है स्कल पर या फंगस लग जाते हैं तो उसके लिए ये नीम पाउडर जरूर यूज करें आपके स्कल जो है ना हेड के स्कल है ना वो बिल्कुल क्लीन रहेंगे तो गाइस मैं यहाँ पर हाफ स्पून ले ली हूँ नीम पाउडर अगर आपके पास ड्राइड नीम है तो उसे भी आप ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हैं सेकंड मैं ले रही हूँ इंडिगो पाउडर जिसे हम नील पाउडर भी बोलते हैं बहुत ही अच्छा वर्क करता है सफ़ेद बालों को जड़ से काला बनाने के लिए थर्ड में यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ हीना पाउडर किसी भी ब्रांड का ले ले लेकिन वो नेचुरल होना चाहिए जी हाँ दोस्तों तो मैं यहाँ पे दो चम्मच हीना पाउडर ऐड करूँगी गाइस मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हीना पाउडर ऐड करें गाइस मैं लास्ट यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट वो है सिका काई पाउडर ये भी आप सबको पता है कि ये आ, सदियों से चला आ रहा है कि सिक्का का ही पाउडर जो है वो हमारे बालों को बिल्कुल जड़ से काला बनाने में बहुत हेल्प करता है तो यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ कलाउंजी ऑयल जिसे कि हम ब्लैक सीड्स ऑयल भी बोलते हैं नाजेला सीड्स भी बोलते हैं मंगरायल सीड्स का ऑयल ये ईजिली मिल जाता है आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएगा गाइस अगर नहीं मिलता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं तो यहाँ पे एक से डेढ़ चम्मच इसे ऐड कर दें बहुत ही अच्छा ये आपको कलर देता है आपके बालों पे गाइस यहाँ पे नेक्स्ट मैं और जो लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ वो है सिसम ऑयल जिसे हम तिल का तेल भी बोलते हैं क्योंकि अब सर्दी का मौसम आप सोचिए कि जाने वाला है तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल नहीं ऐड कर रही हूँ आप तिल का तेल ऐड करें बहुत ही अच्छा वर्क करता है आपके सफ़ेद बालों पे तो यहाँ पे तिल का तेल हमें उतना ऐड करना है जितना इसे मिक्स करने में एक जो डाई कंसिस्टेंसी होती है ना उसे बनाने में जो लगता है जैसा वो दिखता है बिल्कुल उसी तरह हमें यहाँ पर तिल का तेल ऐड करना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए बिल्कुल इस तरह से तो मुझे दो चम्मच लगा है यहाँ पर तिल का तेल और ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है गाइस अगर तिल का तेल भी आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ऐड कर सकते हैं इसे आपको रात को अप्लाई कर लेना है अपने रूट्स पे बालों के रूट्स पे अच्छी तरह से अप्लाई कर ले और हेयर लेंथ पे भी अप्लाई कर ले केवल और केवल पिलों पर आपको कुछ डाल के तभी सोना होगा नहीं तो इसके दाग लग सकते हैं और गाइस सुबह आपको इसे पानी से वॉश कर लेना है अच्छी तरह से वॉइलिंग करना है गाइज अगर हफ्ते में दो बार भी आप इसे अप्लाई करते हैं ना तो आपके सफ़ेद बाल बिल्कुल टर्न हो जाएंगे ब्लैक में और जो री ग्रोथ होगी वो भी बिल्कुल ब्लैक होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू हैव ए नाइस स्टे